ये है गूगल पिक्सल फोल्ड, जिसका ट्रिपिकल बॉक्स कुछ इस तरीके से है। बाकी इसकी लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। और बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले मैं पेपर पैकेजिंग के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, तो स्मार्टफोन को करते हैं फिलहाल साइड में और बॉक्स के सेकंड सेक्शन को चेकआउट करते हैं, जहां पर हमें ज्ञान से भरे हुए पद्र सिम इंजेक्टेड टूल देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बॉक्स में हमें यूएसबी टाइप सी मेल टू यूएसबी ए फीमेल एडेप्टर विद यूएसबी सी टू सी डेटा केबल देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बॉक्स बिल्कुल खाली, तो सीधे हम आते हैं अपने स्मार्टफोन में। गूगल ने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेपर पैकेजिंग दी है, ना कि पॉलिथिन पैकेजिंग। वैसे इस तरह की पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा रेयर देखने को मिलती है। और फाइनली ये रहा गूगल पिक्सल फोल्ड, यानी गूगल की तरफ से पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन। फिलहाल फोन को करते हैं ऑन। जब तक ये स्मार्टफोन होता है ऑन, तब तक हम इसके फिजिकल व्यू की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्मार्टफोन के राइट बॉटम में स्टीरियो स्पीकर, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और वहीं पर लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट बॉटम में अगेन माइक्रोफोन और सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। बाकी गूगल ने अपने इसी फोल्डेबल स्मार्टफोन में काफी तगड़े मैकेनिज्म का यूज किया है, जहां पर आपको हिंज यानी दोनों डिस्प्ले के बीच में आपको कोई भी गैप देखने को नहीं मिलता है। पर स्मार्टफोन के राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के साथ में पावर बटन, जिसमें हमें इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए। वहीं स्मार्टफोन के टॉप में अगेन स्टीरियो स्पीकर एंड माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं। और ये रहा गूगल पिक्सल फोल्ड का हिंज मैकेनिज्म, जहां से ये स्मार्टफोन फोल्ड होता है। पर बात करें अगर स्मार्टफोन की बैक साइड में, तो स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको सेंटर में गूगल का लोगो, उसके साथ में रेक्टेंगुलर शेप में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा स्टेप देखने को मिलता है, जिसका प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर है टेलीफोटो लेंस जो है 10.8 मेगापिक्सल का, और थर्ड सेंसर है अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए जो है 10.8 मेगापिक्सल का। साथ में एक LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। और बातें सीधे स्मार्टफोन की फ्रंट साइड में, तो फिलहाल इसको करते हैं सेटअप। पर अगर हम इंटायर डिस्प्ले की बात करें, तो 7.6 इंच की आपको फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। वहीं पर अगर हम आउटर डिस्प्ले की बात करें, तो ये आता है 5.8 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में कर्व एजेस भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ में आपको एक सेंटर पंच होल कटआउट देखने को मिल जाता है, जिसमें लगा हुआ है 9.5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर सेल्फी और वीडियो कॉल जैसी चीजों के लिए। वहीं इंटायर डिस्प्ले के राइट कॉर्नर में भी आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। टोटल इस स्मार्टफोन में आपको 5 कैमरे देखने को मिलते हैं, 2 डिस्प्ले में और 3 बैक साइड में। यहाँ पर आपको एकदम क्लीन UI देखने को मिल जाता है, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर एप्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक मार्केट में जितने भी फोल्डेबल स्मार्टफोन आए हैं, उनमें से सबसे तगड़ा हिंज मैकेनिज्म इसी स्मार्टफोन का है। बिकॉज इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले को आप जिस एंगल में चाहोगे, उस एंगल में आप फिक्स कर सकते हो। और गूगल ने इसके बैक पैनल को इस हिसाब से डिजाइन किया कि काफी लंबे टाइम तक आप इसे यूज करोगे, तब भी आपके फिंगरप्रिंट वगैरह बैक साइड में नहीं शो करेंगे, यानी आपके फिंगरप्रिंट इसमें नहीं छपेंगे। ये स्मार्टफोन IPX8 वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में स्मार्टफोन को पानी से कोई खतरा नहीं है। और इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें लगा हुआ है टेंसर G2 चिपसेट, और ये चिपसेट 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये गूगल की खुद की चिपसेट है, और रिसेंटली लॉन्च हुए गूगल पिक्सल 7 एंड 7 प्रो में इस चिपसेट का यूज किया गया है। यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको काफी स्मूथ एंड फास्टर मिलेगी। स्मार्टफोन में मल्टीटास्क का असली एक्सपीरियंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको 2 सेपरेट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। बाकी गूगल ने सॉफ्टवेयर पर भी काफी अच्छे से काम किया, जहाँ पर छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन में ऐप काफी स्मूथली कन्वर्ट हो जाता है। गूगल ने प्रॉमिस किया है 5 ईयर सिक्योरिटी अपडेट्स का, और बहुत जल्द इसमें एंड्रॉइड 14 भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको 4800 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, बट बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है, जिस कारण से बैटरी काफी लंबे टाइम तक आपका साथ नहीं निभाती है। और बैटरी जल्दी से ड्रेन होना कोई टेक्निकल इशू है या फिर बड़ी स्क्रीन के कारण है, बट ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बाकी स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और 30 वॉट की वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के, तो हम सभी को पता है कि गूगल के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, उनके कैमरे एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं। वही चीज आपको साफ तौर पर यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको काफी सारे अलग अलग मोड्स एंड फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और अब देखो इस स्मार्टफोन के कैमरे से क्लिक की गई कुछ इमेजेस को। और ये स्मार्टफोन इंडिया में जुलाई एंड या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है, और इस स्मार्टफोन की प्राइस $1800 यानी करीब $1,47,000 के अराउंड में होगी। और इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो।